दोस्तों अगर आप भी अफगानिस्तान की टीम की बांग्लादेश के खिलाफ जीत को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर खिंचेगा दोस्तों अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर ऑस्ट्रेलिया को किया वर्ल्ड कप से बाहर तो तालिबान ने किया वीडियो कॉल और भारत के लिए कहा कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी करेंगे उन्हें सलाम जी हाँ दोस्तों अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले गए मैच में अफगानिस्तान की टीम ने बांग्लादेश को हरा कर सेमीफाइनल में जगह पक्की की और ऑस्ट्रेलिया की टीम को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया जिसके बाद तालिबान ने अफगानिस्तान की टीम को वीडियो कॉल करके बधाई दी और भारत के लिए एक ऐसा बयान दिया है जिसको सुनकर आप भी उन्हें सलाम ठोकने वाले हैं। तो आखिरकार तालिबान ने अफगानिस्तान टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद भारत के लिए क्या कहा ये तो हम आपको बताएंगे ही तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारत और अफगानिस्तान के बीच वर्ल्ड कप मैच फाइनल होना चाहिए या नहीं कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों जैसा कि आपको पता है अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले गए मैच में अफगानिस्तान की टीम को डीएलएस मेथड के तहत आठ रनों से जीत मिली है इस मैच में अफगानिस्तान की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करते हुए 115 रन 5 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बना दिए और इसका पीछा करने आई बांग्लादेश की टीम ने 19 ओवर में 114 रनों का पीछा करते हुए 17.5 ओवर में 105 रनों पर ऑल आउट हो गई और इसी के साथ अफगानिस्तान की टीम इस मैच को आठ रनों से जीत गई जहां पर अफगानिस्तान की टीम की तरफ से रहमतुल्लाह उल्लाह गुरबाज ने सर्वाधिक 43 रनों का योगदान दिया इसके अलावा नबीन उल हक ने तीन और राशिद खान ने चार विकेट लिए और ऑस्ट्रेलिया की टीम को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया ऐसे में अफगानिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान की टीम को जीत की बधाई देते हुए वीडियो कॉल किया और भारत को लेकर बड़ा बयान दिया जी हाँ दोस्तों अफगानिस्तान की जीत के बाद तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान को वीडियो कॉल करते हुए जीत की बधाई दी साथ ही में पूरी टीम को सेमीफाइनल में जाने की हार्दिक शुभकामनाएं दी इतना ही नहीं तालिबान सरकार ने अब इसके बाद ट्वीट करते हुए भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई को धन्यवाद किया वहीं तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख सुहेल शाहीन ने प्रकाशन को बताया हम अफगान क्रिकेट टीम के क्षमता निर्माण में भारत की निरंतर मदद के लिए आभारी हैं। हम वास्तव में इसकी सराहना करते हैं इसके अलावा उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत अफगान क्रिकेट टीम को कारपोरेट योगदान कर रहा है खिलाड़ियों को भारतीय स्टेडियमों में ट्रेनिंग दे रहा है तथा कंधार क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए एक मिलियन डॉलर का अनुदान दे चुका है ऐसे में भारत के द्वारा की गई अभी तक की मदद को देखते हुए बीसीसीआई का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और अगर आज अफगानिस्तान की टीम ने इतना ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है और सेमीफाइनल में पहुंची है तो उसके पीछे भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ सी का काफी बड़ा हाथ है तो दोस्तों आपको क्या लगता है भारत और अफगानिस्तान के बीच फाइनल मैच होना चाहिए या नहीं कमेंट में जरूर बताइए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए धन्यवाद